नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नकली कोविशील्ड के मामले में अपनी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सरकार ने उस रिपोर्ट पर एक जांच शुरू की है, जिसमें दावा किया गया है कि कोविशील्ड टीके की नकली खुराक जब्त की गई है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने जारी किए बुलेटिन में इस बात की जानकारी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून ट्रफ के पश्चिमी छोर अपनी सामान्य स्थिति के करीब है। बिहार की सरकार में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि खुद को सत्ता के शीर्ष पर ले जाने के लिए तेजस्वी अपने परिवार के बाकी सदस्यों की राजनीतिक रूप से जान लेना चाहते हैं। अब पूरे देश में बिजली चोरी रोकी जाएगी। पावर मिनिस्ट्री ने पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर टाइमलाइन निश्चित कर दी है। इस स्मार्ट मीटर में प्री पेमेंट की सुविधा होगी, जिसका इस्तेमाल सरकारी विभाग, कमर्शियल पर्पस और इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए किया जाएगा। राजद में अंतर्कलह और राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बीच हो रहे बयानबाजी को लेकर भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि राजद में जगदानंद सिंह जैसे बड़े नेताओं का सम्मान नहीं हो रहा है, वो कब तक ऐसे राजद में रहेंगे पता नहीं। संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से पास ओबीसी संशोधन बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद बिल में संशोधन कानून में नए प्रावधानों के शामिल करने का रास्ता साफ हो गया। आपको बता दें कि दोनों सदनों से ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास होने के बाद अब राष्ट्रपति के पास इसे भेजा गया था। रक्षाबंधन 22 अगस्त को मनाया जाना है। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व श्रावण महीने की पूर्णिमा तारीख को मनाया जाता है। ज्योतिषों के अनुसार 474 वर्ष बाद राखी पर एक महासंयोग का निर्माण होने जा रहा है। इस साल 2021 में रक्षाबंधन का त्योहार गज केसरी योग में मनाया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मुख्य आरोपी भगौड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। दरअसल मुंबई की एक विशेष अदालत ने 440 करोड़ रुपए की संपत्ति पीएनबी को लौटाने की मंजूरी दे दी है। जदयू में लगातार मिलन समारोह हो रहा है और आज सहयोगी दल हम के सत्यनारायण शर्मा अपने समर्थकों के साथ जदयू का झंडा थाम चुके हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और परिवहन मंत्री शीला मंडल ने सत्यनारायण शर्मा को जदयू में सदस्यता दिलवाई। तालिबान के खौफ में रह रहे भारतीयों की मदद के लिए विदेश मंत्रालय ने लोगों के लिए नए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने का आग्रह किया है, जिसके तहत 9111490167839111409016784 या 9111490167785 या व्हाट्सएप नंबर 9180106112909599321199 पर कॉल या मैसेज करके मदद ले सकते हैं। बिहार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन दिनों पुराने दिग्गजों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच ललन सिंह ने हाल ही में वशिष्ठ नारायण सिंह की आवाज पर उनसे मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच आधे घंटे से भी अधिक समय तक बातचीत हुई। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन छात्रों की डिग्री और उनके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन अब नहीं करने वाला है, ये काम संबंधित यूनिवर्सिटी ही करेंगे। इस संबंध में यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि डिग्री आदि के वेरिफिकेशन का काम उसका नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दो आदर्श नेताओं की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के दो आदर्श नेता हैं। दोनों कहते थे कि हम हमेशा अपने लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करेंगे। ट्रैफिक का नियम तोड़ने वालों को 15 दिनों के भीतर नोटिस दिया जाएगा। सरकार ने आज ही नए नियम का ऐलान किया है। अब यातायात के नियमों का पालन करवाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी प्रयोग किया जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 दिनों की क्वारंटीन अवधि को पूरा कर लिया है और दुबई में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। ट्रेनिंग के दौरान धोनी रैना की गजब की जुगलबंदी देखने को मिली, जिसको सीएसके ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। देश की लीडिंग ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव कल्याण कृष्णमूर्ति ने गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। वित्त मंत्री के कार्यालय की तरफ से निर्मला सीतारमण और कल्याण कृष्णमूर्ति के बैठक की एक तस्वीर को ट्वीट भी किया गया है। Amazon Alexa ने अपने यूजर को बड़ी खुशखबरी दी है। अब आप अपने Alexa पर सदी के महानायक और बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन की से बात कर सकेंगे। Amazon ने 19 अगस्त 2021 को बॉलीवुड के इस दिग्गज अभिनेता की आवाज को Alexa पर लॉन्च किया। कोरोना महामारी में हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए देश के हर जिले में आयुष 64 दवा बांटी जा रही है, लेकिन जोधपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और जयपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के 16 डॉक्टरों की टीम को यह दवा बेअसर मिली है। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती है। वह आज तक भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। इस दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने आज तक जितनी भी प्रमुख सफलताओं को देखा है, उनका श्रेय राजीव गांधी को ही जाता है।
चीनी निर्यात करने वाली और एथेनॉल बनाने वाली मिलों को सरकार प्रोत्साहन देगी। खाद्य मंत्रालय ने इस बाबत बताया है कि मिलों को अतिरिक्त चीनी से एथेनॉल बनाने की अनुमति होगी। इससे कमाई बढ़ेगी और किसानों का बकाया भुगतान करने में काफी आसानी होगा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब तक सभी सुरक्षित नहीं है तब तक कोई सुरक्षित नहीं है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों की एक और वैक्सीन का रास्ता खुल सकता है। फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल करने की अनुमति मांगी है। गुजरात में स्थित ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर परिसर में माता पार्वती का भी एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा, जिसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के तहत किया। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री सोमनाथ में अन्य कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते देखे गए। भारत में कोरोना वायरस के 36,571 नए मामले शुक्रवार को सामने आए हैं और जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 3,23,58,829 पर पहुंच गई है। वहीं 540 और लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या 4,33,589 पर पहुंच गई है। सरकार ने दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे के तौर पर तैयार कर लिया है। सरकार के अनुसार ये देश का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे है। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने इस बात की जानकारी द्वारा एक वर्चुअल कार्यक्रम में हरियाणा के कर्ण लेक रिजॉर्ट में अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। बिग बॉस 15 को सलमान खान ही होस्ट करेंगे। इस बार मेकर्स ने दिग्गज एक्ट्रेस रेखा को भी शो में शामिल किया है। शो में बिग बॉस की तरह ही रेखा की आवाज भी सुनाई देगी। वो ट्री ऑफ फॉर्च्यून यानी भाग्य के पेड़ का आवाज बनेंगी। दुनिया की दिग्गज कंपनी उत्तर प्रदेश में तेजी से निवेश कर रही है। इस दौर में अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियां सबसे आगे हैं। राज्य की इन्वेस्टर्स फ्रेंडली नीतियों के चलते अमेरिकी कंपनी सहित 40 से अधिक विदेशी कंपनियों ने करीब 17,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में किया है। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के रोहन कांबले ने पुरुषों की 400 मीटर हर्डल रेस के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। भारत की 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम के ब्रॉन्ज मेडल जीतने के एक दिन बाद वो आगे बढ़ने वाले अकेले भारतीय एथलीट रहे। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से सभी भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार की कोशिश जारी है। बताया गया है कि भारतीयों को वतन वापस लाने के लिए विशेष मिलिट्री विमान स्टैंड बॉय पर है। इसके साथ ही 200 से अधिक भारतीयों ने अब तक संपर्क किया है। कोविड-19 के चलते रात में दीदार के लिए एक साल के बाद एक बार फिर से ताजमहल को 21 अगस्त से खोल दिया जाएगा। एएसआई अधीक्षक पुरातत्वविद वसंत कुमार स्वर्णकार ने बताया है कि 21, 23 और 24 अगस्त को रात्रि दर्शन की अनुमति दी जाएगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है संजय कुमार, सिफोन ठाकुर, जितेंद्र ठाकुर, प्रमोद राम, सुपर बिहार, रंजीत मेहता, राजीव कुमार, ज्योति कुमारी, प्रद्युमन कुमार, मुक्ति कुमार, इमरान आलम, अमित कुमार, सिद्धार्थ मिश्रा, सूरज सिंह, अरविंद सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश के कई राज्यों में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।